सुस्वागतम बच्चों, अपने सेंट मेरी स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा विषय है हिंदी, और पिछली बार हमने लाइन्स के चार प्रकार सीखे थे। अभ्यास क्रमांक एक। हाँ तो बच्चों, मैं आपको लाइन्स के बारे में फिर से एक बार बताती हूँ। आड़ी लाइन, आड़ी लाइन का मतलब है स्लीपिंग लाइन। खड़ी लाइन, खड़ी लाइन का मतलब है स्टैंडिंग लाइन। और ये दो साइड में दो प्रकार की तिरछी लाइन, इसे कहते हैं स्लैंटिंग लाइन। अभ्यास क्रमांक दो। तो ये हम लोग ने पिछली बार देखा था बच्चों, मुड़ी हुई लाइन। मुड़ी हुई लाइन के भी दो प्रकार होते हैं, और ये हमने लाइनिंग के चार प्रकार सीखे हैं। अभ्यास क्रमांक तीन। हाँ तो बच्चों लोग, इसे भी हम मुड़ी हुई लाइन कहते हैं। इसे भी डॉटेड लाइन के ऊपर हमें पेंसिल से घुमाना है, ठीक डॉटेड लाइन के ऊपर ही घुमाना है। मुड़ी हुई लाइन मीन्स कर्व्ड लाइन, इसे भी हम कर्व्ड लाइन कहते हैं, मीन्स मुड़ी हुई लाइन। ठीक इसी तरह बच्चों, यहाँ पर भी इसे हम मुड़ी हुई लाइन कहते हैं। इसे भी आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, पेंसिल से डॉटेड लाइन के ऊपर घुमाना है। कर्व लाइन मीन्स मुड़ी हुई लाइन, इसे ठीक तरह से घर में प्रैक्टिस करनी है। और बच्चों यहाँ पर देखिए, इसे हम गोल आकार कहते हैं, मीन्स सर्कल। इसे भी डॉटेड लाइन के ऊपर पेंसिल से घुमाना है, मीन्स गोल आकार सर्कल, ठीक पेंसिल से इसे घुमाना है। बच्चों, आप इस लाइन के प्रकार को घर पर प्रैक्टिस कीजिए, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।